रंगों का त्योहार होली इस साल 25 मार्च को मनाया जाएगा। इससे 8 दिन पहले 17 मार्च को होलाष्टक लग जाएगा। दरअसल होलाष्टक में शुभ और मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। वैसे तो होलाष्टक में केवल 8 दिन शुभ कार्य बंद रहते हैं, लेकिन इस बार 8 दिन के बजाय पूरे एक महीने तक शुभ काम वर्जित रहेंगे। दरअसल 14 मार्च को सूर्य की मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास लग जाएगा, जो करीब एक महीने तक रहेगा। उस पर रही सही कसर होलाष्टक पूरी कर रहा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन होलाष्टक शुरू होते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल ये तिथि 16 मार्च को रात 9:29 पर शुरू होगी और 17 मार्च को सुबह 9:53 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार होलाष्टक 17 मार्च से लगेगा और पूर्णिमा के दिन यानी 24 मार्च को होलिका दहन के साथ समाप्त होगा। फिर 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। उत्तर भारत में होलाष्टक को अशुभ मुहूर्त माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। कहते हैं कि 8 दिनों तक चलने वाले होलाष्टक में ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी शुभ काम करने पर अशुभ फल प्राप्त होता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल होलाष्टक की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कार्यों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इन दिनों जातकों में निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर होती है, जिससे वो कई बार गलत फैसले भी कर लेते हैं, जिससे हानि होती है। इसलिए इस समय कुछ कार्यों को करने की साफ मनाही होती है। होलाष्टक और खरमास के चलते शादी और विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। नामकरण, मुंडन और कड़वेत पर भी रोक रहेगी। साथ ही इस अवधि में सोने चांदी के गहने खरीदने से बचें। इस दौरान कपड़े और घर का सामान भी न खरीदें। होलाष्टक में घर का निर्माण, वाहन और प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना भी वर्जित है। इस समय किसी भी शुभ कामों को शुरू करने से बचें। होलाष्टक में भूल कर भी यज्ञ और हवन जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। कहते हैं इस अवधि में किए गए यज्ञ हवन का पर्याप्त फल नहीं मिलता। अब आपको बताते हैं वो काम जिसे इस समय जरूर करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ तप ध्यान करना शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान हनुमान जी, भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा करने का विधान है। श्री सूक्त पाठ, मंगल ऋण मोचन का पाठ करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।